सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल माई टूर गुरु। तो चलिए जानते हैं अंडमान के रॉस आइलैंड के बारे में और से एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इस आइलैंड पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए जानते हैं कि पहले हाउ टू रीच रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड जाने के लिए हमें पोर्ट ब्लेयर से, वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से, जेटी से बोट लेनी पड़ती है, तब हम जाते हैं रॉस आइलैंड, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू रीच देयर बाय रोड। और फिर यहाँ पे आके आपको काफ़ी सारे ओल्ड एज ब्रिटिश एंड जैपनीज स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे और हमें ये पता चलता है कि उस टाइम ब्रिटिश क्या ही लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे जब उन्होंने इंडिया पर अपना कब्जा किया था। ब्रिटिश के हमें यहाँ पे काफ़ी सारे पुराने स्ट्रक्चर, लाइट हाउस, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, काफ़ी सारे पुराने स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको लाइट एंड साउंड शो भी देखने को मिलता है जिसमें आपको पूरी डिटेल में बताया जाता है कि रॉस आइलैंड क्या है और क्या क्या यहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्यारे प्यारे डियर देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अपने हाथों से फीड भी करा सकते हैं। और यहाँ पे आपको जापनीज बंकर भी देखने को मिलेंगे जब वॉर के दौरान जापनीज लोग यहाँ पे छुपते थे। और यहीं पे आपको एक वाटर पॉन्ड देखने को मिलेगा जो कि ब्रिटिश के टाइम का है और वो अभी भी स्टिल है। और यहाँ पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो अगर आप लोग भी रॉस आइलैंड विजिट करना चाहते हैं तो आप लोगों को करना होगा हमारा अंडमान का बेस्ट टूर पैकेज जिसमें आप लोग रॉस आइलैंड भी कवर करते हैं। तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, इस पर कॉल करके आप जल्द से जल्द पैकेज को बुक करा लीजिए और निकल जाइए अंडमान टूर के लिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट बेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।